नमस्कार बच्चों, लेसन टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड के सेकंड पार्ट से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। आज के वीडियो में सबसे पहले हम एंजॉय करेंगे एक एनिमेटेड वीडियो जो हमें बताएगा विटामिन और मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देन व्हाट इज विटामिन, व्हाट आर द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट विटामिन लाइक विटामिन ए बी सी एंड डी, what is the source and use of different minerals in our body. Let's start with a video which is showing the importance of protective food in our body, vitamins and minerals. Vitamins and minerals ko hum kehte hain protective food because they are protecting our body from many diseases. All these are the different type of vitamins and minerals sources of food. There are many different type of vitamins that our body require. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. These are the different types of vitamins found in our body. All these different type of vitamins help us to stay healthy. हमारी body को vitamins बहुत ही कम quantity में चाहिए। हमारी food items जैसे ये सारी सब्जियां और फल, इन सब में ही विटामिन्स बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। लेट्स सी अलग अलग विटामिन्स की फंक्शन और सोर्स। विटामिन ए, स्पिनच, कैरेट, मिल्क, बटर, एग, येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया, इन सब से विटामिन ए मिला और विटामिन ए हमारी अच्छी आंखों के लिए और हेल्दी स्किन के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, मिल्क, बीन से मिलता है और ये भी हमारी हेल्दी स्किन और हमारे नर्वस सिस्टम के अच्छे से काम करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी हमें सभी सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स से भी मिलता है और इसकी वजह से हमारा ब्लड वेसल्स अच्छे से काम करती हैं, हमारे गम्स हेल्दी रहते हैं, वॉर्म्स जल्दी हील अप होते हैं। विटामिन डी जिसका सबसे मेन सोर्स है सनलाइट, इसके अलावा मिल्क, एग, बटर, फिश, कॉड लिवर ऑयल से भी हमें विटामिन डी मिलता है। इसकी वजह से हमारी बोन्स और टीथ हेल्दी रहते हैं। बच्चों आपको पता होगा कि विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन डी से हमें एक बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है जिससे बोन्स एंड टीथ हेल्दी होती है। विटामिन्स के अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी हैं जो हमारे हेल्दी रहने के लिए जरूरी हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन। मिनरल्स भी हमें बहुत कम अमाउंट में जरूरत होते हैं। एक कंप्लीट डाइट में हमें ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। कैल्शियम मिनरल इसका सोर्स है मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और इसकी वजह से हमारे बोन्स और टीथ हेल्दी होते हैं। फास्फोरस हमें मिलता है मिल्क, एग, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और पल्सेस से, इससे हमारी बोन्स हेल्दी रहती हैं और टीथ स्ट्रॉन्ग। पल्सेस, नट्स, स्पिनच, बीन्स और एप्पल्स से हमें मिलता है मिनरल आयरन। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है जो कि हमारे ब्लड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट मिनरल है आयोडीन, जो कि आपको आयोडाइज टेबल सॉल्ट में आसानी से मिलता है या सी फूड में। इस आयोडीन की मदद से हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली होती है। सो ऑल दीज आर द मेन विटामिन एंड मिनरल्स विच आवर बॉडी रिक्वायर। विटामिन प्रोटेक्टिव फूड है जो कि बॉडी को बहुत सारी डिजीजेस से बचा रहे हैं, हमारी आईज, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्थी रखने में हमारी मदद कर रहे हैं। ये सभी डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के विटामिन हैं, B2, B6, B12, इसलिए हम इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए, ये विटामिन नेचुरली बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलता है जैसे कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, पम्पकिन, एग, पपाया। All these food items are good source of vitamin A. Vitamin A की वजह से हमारी आंखों में एक पिगमेंट बनता है
और ये पिगमेंट हमें कम लाइट में भी देखने में मदद करता है। अगर विटामिन ए हम कम खाते हैं तो हमें एक बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। सेकेंड इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ ज्यादा मात्रा में मिलता है? होल ग्रेन्स, पोटैटोज, बनानास, चिली पीपर्स, बीन्स एंड ऑल दीज फूड आइटम्स, दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। ये विटामिन बी हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। लगभग सारे खट्टे फल जितने भी होते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, मौसमी, ऑल दीज सिट्रस फ्रूट्स हैव विटामिन सी। इस विटामिन सी की वजह से देखिए सारे पिक्चर्स हैं उन सारे फूड आइटम्स के जिनमें विटामिन सी है। विटामिन सी हमारे गम्स को हेल्दी रखता है और एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन डी। ये विटामिन हमारी बॉडी में हम खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन। सूरज से जो किरणें आ रही हैं, अगर हम उन रेज में खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। इस विटामिन की मदद से हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है जिसकी वजह से हमारी बोन्स हेल्दी होती हैं। अदर फूड आइटम्स विच आर रिच इन विटामिन डी, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ऑरेंज जूस, एग योक, मशरूम, इन सब फूड आइटम्स में भी विटामिन डी होता है। नेक्स्ट कम्स मिनरल्स। मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनकी भी हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन ये मेनली हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ को बनाते हैं और हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। हमें हेल्दी बनाए रखने के लिए इनका लेना जरूरी है। ये 10 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है। आयोडीन, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन सही से काम करता है। मैग्नीज, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कैल्शियम, जिसकी वजह से बोन्स हमारी हेल्दी होती हैं। मैग्नीशियम, जो हमारे हार्ट और ब्रेन की केयर करता है। फॉस्फोरस, टू मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। जिंक, एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जिससे हमारे वाउंड्स वगैरह जल्दी हील अप होते हैं। सिलेनियम भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है जिससे कि ब्लड आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। सोडियम डाइजेशन में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। पोटाशियम भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स विच आवर बॉडी रिक्वायर्ड। कंपोनेंट ऑफ फूड के सेकेंड पार्ट में इतना ही। इसके थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फूड आइटम्स में हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग सम सिंपल टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।